सरोकार। नमस्कार, मैं हूं त्रिशला यादव, स्वागत है आपका प्राइम टीवी में। अजान, हनुमान चालीसा, जुलूस, शोभा यात्रा, यह सब धर्म से जुड़ी हुई चीजें हैं। धर्म यानी हमें जीवन जीने के सलीके को सिखाने वाली चीज। इस्लाम को चाहे जाने, चाहे सनातन धर्म को जाने, चाहे बुद्धिज्म को जाने, या फिर चाहे ईसाई, चाहे सिख, किसी भी धर्म को जब जानेंगे तो एक ही सार निकल कर सामने आता है, वो है कि किस तरह से एक नेक इंसान बना जाए। लेकिन रामनवमी के बाद से इस देश में एक दूसरी आग सुलगना शुरू हो गई है, वो है शोभा यात्रा पर होने वाले पथराव। अभी मध्य प्रदेश में रामनवमी के मौके पर निकली शोभा यात्रा की चर्चा का विषय समाप्त भी नहीं हुआ था कि दिल्ली में हनुमान जयंती के अवसर पर निकली शोभा यात्रा पर पथराव हो गया। आखिर कौन है ये लोग, इन्हें शोभा यात्रा से डर कैसा है, जय श्री राम के उद्घोष से इन्हें शिकायत कैसी है, क्या यह स्थिति भारत के लिए गंभीर नहीं है? लगातार जिस तरह के पथराव और लगातार जिस तरह से लेकर बयानबाजियां धर्म को लेकर चल रही है, धर्म को लेकर बयानबाजियां जारी है, यह बड़ा इशारा है कि कहीं ना कहीं हमारा धर्म खतरे में है। नहीं, हमारा इंसानियत खतरे में है, जो इंसानियत है वो खतरे में है। ऐसे में अब देखना यह होगा कि क्या कुछ अहम फैसले सरकार की तरफ से, क्या कुछ अहम कदम सरकार की तरफ से उठाए जाते हैं कि सभी धर्म और जो भी धर्म है, जो भी देवता, देवी देवता है, सब एक है, और हिंदुस्तान जो है, हिंदुस्तान में सब एक समान है। कब और किस तरह से लोग यह समझ पाएंगे कि इंसान को इंसान से मोहब्बत करनी चाहिए, इंसान को इंसान से नफरत नहीं करनी चाहिए। कोई भी धर्म हमें पहले इंसान बनना सिखाता है, कोई भी धर्म हमें ये नहीं सिखाता कि हम एक इंसान के साथ मारपीट करें, हम एक इंसान पे पत्थरबाजी करें, हम आगजनी करें। सभी धर्म हमें यही सिखाता है कि हम कैसे बेहतर इंसान बने। साथ ही साथ इसी के साथ कई ऐसे चेहरे हैं जिनका ये भी कहना है, आइए पहले हम आपको सुनवाते हैं कि क्या कुछ कहना है जो भी हमारे नेता हैं। दिल्ली के जहांगीरपुरी में हनुमान जयंती के जन्मोत्सव पर पथराव हुआ है। हमने अभी अभी वहां के पुलिस अधिकारियों से भी बात करी, एडिशनल डीसीपी मौके पे मौजूद हैं, उनसे भी बात हुई। ये घटनाएं जो हैं ये अचानक नहीं हुई है, साजिश के तहत हो रही है। पुलिस तत्काल इसकी जांच करे और दोषियों को सख्त से सख्त सजा हो। हालांकि वहां की स्थिति अभी सामान्य हो रही है, लेकिन जिन लोगों ने पत्थर फेंके हैं, जो लोग दिल्ली में साजिश के तहत हिंसा फैलाना चाहते हैं, ऐसे लोगों की कड़ी जांच होनी चाहिए। मैं समझता हूं जहां से पत्थर आए हैं, जो भी दोषी है, उनके घरों की भी चेकिंग होनी चाहिए। भगवान हनुमान जी की शोभा यात्रा में पथराव को लेकर के जो तनाव पैदा हुआ है, मैं दिल्लीवासियों से और दोनों ही धर्म के लोगों से, वहां के लोगों से अपील करना चाहता हूं, दिल्लीवासियों से अपील करना चाहता हूं कि दिल्ली की शांति स्थापित रहे। किसी भी पक्ष के व्यक्ति को आघात पहुंचे या वो ट्वीट इस तरह का आग में घी डालने का काम करे, उचित रहेगा मिलजुल करके हमें पुलिस के साथ, अपने कार्यकर्ताओं के साथ इस दिल्ली को बचाना है। और यदि कोई इसमें दोषी है तो पुलिस से भी कहना चाहता हूं इसमें सख्ती से निपटे, दोषियों को बख्शा ना जाए। नॉर्थ ईस्ट की घटना के बाद एक बार फिर दिल्ली शर्मसार हुई है। हर धर्म में, हर मजहब में कुछ लोग होते हैं नेगेटिव बैड एलिमेंट्स, तो उसका मतलब ये नहीं पूरा धर्म ही ऐसा होते हैं। धर्म का तो ये प्रचार है कि एक इंसान का कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल होता है। धर्म का तो ये प्रचार है कि अगर आपका पड़ोसी भूखा बैठा है तो आप खाना खा रहे हैं तो लानत है इस पे। धर्म नहीं किसी को सिखाता वैर रखना। तो ये तो धर्म तो ये है कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, ये देखो ना किस समुदाय ने लिखा था। तो कोई यार धर्म की प्रॉब्लम नहीं, लोकल लेवल पे मैं देखा है आपस में बड़ा प्यार है। बाहर की कोई ताकतें हो सकती हैं जो इंडिया को थोड़ा डाउन करना चाहती, क्योंकि बहुत बड़ी पावर बन रहा है डे बाय डे। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा,
ये सिर्फ कहावत की बात रह गई है या फिर लोग इस बात को समझ भी पाएंगे और क्या स्थिति भारत के लिए गंभीर नहीं है, इन्हीं सब बातों करने के लिए आज की हमारी चर्चा है। हमारे साथ सपा से मयंक यादव जुड़ चुके हैं, भारतीय जनता पार्टी से देशबंधु दीक्षित जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, वही विकास मिश्रा राष्ट्रीय संयोजक सनातन महासभा से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, अकील खान प्रवक्ता मोविन समाज से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है प्राइम टीवी में और हमारी आज की इस खास चर्चा में। विकास मिश्रा जी, पहले मैं आपके पास आना चाहूंगी, शोभा यात्रा या फिर किसी भी पूजा पाठ पर इतनी ज्यादा बौखलाहट क्यों? देखिए, जैसा कि निश्चित तौर पर दिखाई पड़ रहा है, पिछले 3-4 महीने से ये चीज़ें बढ़ गई हैं। लगातार हमारे रामनवमी की जो यात्रा निकली उस पर हुआ, अभी हनुमान जन्मोत्सव पर यात्रा निकली उस पर हुआ, राजस्थान में हुआ, गोवा में हुआ, तो ये निश्चित तौर पर दिखाई पड़ रहा है कि एक तरीके से प्रायोजित कार्यक्रम चल रहा है। हमारे सामाजिक सौहार्द, हमारे भाईचारे को, हमारे देश की परिस्थितियों को बिगाड़ने का प्रयास चल रहा है, हमारे देश के विकास को रोकने का प्रयास चल रहा है और विश्व स्तर पर भारत की छवि को बिगाड़ने का प्रयास चल रहा है। ये एक तरीके से हिंदू लोगों को भड़काने की कोशिश की जा रही है कि वो भी इस तरीके से हरकतें करें, देश में दंगे बढ़ें, देश का माहौल बिगड़े और हमारा आपसी भाईचारा कहीं ना कहीं खराब हो। जी बिल्कुल, अकील खान जी, पूजा पाठ को लेकर अराजकता क्यों? आखिर जुलूस पर जो पथराव हो रहे हैं उनकी, उसके पीछे वजह क्या देखते हैं आप? अकील खान जी, पूजा पाठ को लेकर आखिर अराजकता क्यों? क्यों शोभा यात्राओं पे पत्थरबाजी हो रही है? देखिए, मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ से आपके चैनल पे कहना चाहता हूँ कि किसी भी धर्म को मानने वाला इंसान हो, उसको संविधान ने उसका धर्म मानने का, अपनाने का अधिकार दिया है। आज जो हनुमान चालीसा और मस्जिदों पे लाउड स्पीकर की और अजान की बात हो रही है, ये हिंदुस्तान के अंदर चंद लोग ऐसे हैं जो हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक, ये हिंदुस्तान एक गुलदस्ता है जिसमें सारे समाज के लोग अमन चैन से रहते हैं। आज जो कुछ लोग दोनों समाज में, चाहे वो हिंदू समुदाय हो या मुस्लिम समुदाय हो, ये जो नफरत का जहर घोल रहे हैं, ये ना हमारे लिए ठीक है ना उनके लिए ठीक है। और जो इसमें राजनीतिक रोटियां लोग सेकने का काम कर रहे हैं, ये निहायत गलत है। मैं इस तरीके के काम करते हैं, हिंदू मुस्लिम में दंगा भड़काने की बात करते हैं या लड़ाई झगड़ा करने की बात करते हैं, मैं कड़े शब्दों में पिछड़ा मुस्लिम मोमिन समाज संगठन के एक जिम्मेदार होने के नाते मैं कड़ी मजम्मत करता हूँ। जी बिल्कुल, देशबंधु जी, जो जिस तरह से लगातार अराजकता फैलाई जा रही है, धर्म के नाम पे अराजकता लोग फैला रहे हैं, शोभा यात्राओं पे पत्थरबाजी कर रहे हैं, क्या वजह इसके पीछे देखते हैं आप और इंसानियत को कितना बड़ा नुकसान इससे पहुंचने वाला है? नहीं, इंसानियत को तो बहुत बड़ा नुकसान पड़ता है। देखिए, भारत एक संविधान देश है, यहाँ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी भाई भाई हैं और सभी धर्मों संप्रदायों को अपने ईश्वर के, अपने इष्ट की पूजा करने की अभिव्यक्ति है। लेकिन कोई भी आदमी इसकी आड़ में ना अराजकता फैला सकता है, ना कानून व्यवस्था को ध्वस्त कर सकता है। जो कोई भी कानून व्यवस्था अराजकता फैलाएगा या असामाजिक तत्व है, उनके साथ शासन कड़ाई से निपटेगा और जो भी दोषी हैं उन्हें कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी। देखिए, ये सभी की आस्था का विषय है और हमारी सरकार प्रतिबद्ध है कि लोग अपने काम हो। देखिए, एक समय यहाँ नवरात्रि भी चली अभी बीती और वहीं रोजा भी चल रहा है, तो सभी धर्मों का हम आदर करते हैं और हिंदुस्तान बड़ा प्यारा देश है, यहाँ सभी धर्मों का आदर होता है और सभी लोग मिलजुल के सारे त्यौहार मनाते हैं। और जो अराजक तत्व अराजकता फैलाने की और कानून व्यवस्था को भंग करने की कोशिश करेंगे, हमारी सरकार, मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, उनके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई करेगी। जी मयंक, जिस तरह से लगातार एक मुस्लिम कम्युनिटी पर इल्जाम लगाया जा रहा है कि इनको यहाँ पे डर भी लगता है और ये भगवान के नाम से डरते भी हैं और पत्थरबाजी भी कर रहे हैं, लोग ऐसा कहते हुए नजर आ रहे हैं, किस तरह से आप उसको देखते हैं?
भगवान के नाम से कौन डरने लगा, अल्लाह के नाम से कौन डरने लगा? ये तो आप मीडिया वाले लोगों के मनगढ़ंत बनाई हुई जो भारतीय जनता पार्टी के हेडक्वार्टर से जो बात आते हैं वो आप लोग कर देते हैं। बात पर मैं आपत्ति करूंगा। आप सुन लीजिए, पहले बात तो पूरी सुन लीजिए, आधे मत रोकिए। दोष मारना गलत नहीं है। देखिए, एक मछली सारे शराब, आपकी इस बात में मेरी घोर आपत्ति है। आपने बोल लिया ना, हमेशा आपने बोल लिया ना, सकारात्मक। नहीं, आप मीडिया के व्यक्ति हैं, आप मीडिया के हैं, आप संपूर्ण मीडिया पे आरोप नहीं लगा सकते हैं। और मीडिया ने हर समय, मीडिया सिर्फ एक धर्म पर उंगली उठा रहे हैं। मयंक जी, मैं आपको बता दूं, चक्कर में मीडिया दंगाइयों के चक्कर में एक धर्म को बदनाम करना ये भी सही है? आप गलत बात कह रहे हैं, मीडिया कभी दंगाइयों के साथ नहीं है। कोई भी मीडिया कर्मी हमारा, भाई बात सुन ली जाए, पहले पूरी बात सुन ली जाए, पहले मेरी बात। आप अच्छे प्रवक्ता बनने से पहले एक अच्छा वक्ता बनिए। मानदार दूसरे की बात सुना करिए, आपकी बात बहुत ध्यान से सुनिए। हमने मयंक जी, एक बात मैं आपको क्लेरिफिकेशन दे दूं, आपने मीडिया पे सवाल उठाया है ना, जो वीडियो जारी हुए वो मीडिया ने जारी नहीं किए हैं, जो लोगों के बयान आए वो मीडिया पर्सन उनको डरा धमका के उनसे बयान नहीं दिलवाए हैं, इन लोगों का कहना है। तो मीडिया बयान खुद से जारी नहीं कर रही है, मीडिया दंगे नहीं करवा रही है, दंगे के वीडियो मीडिया दिखा रही है। मयंक जी, अब अपने पक्ष रखे आप। अभी जब आपने हमसे पहला सवाल किया तो क्या सवाल किया था? लोगों का कहना है कि डर का माहौल है, अगर डर का माहौल है, सभी डर ही रहे हैं, तो दंगे कौन कर रहा है? मैं जी तो कहा कि आप मुस्लिम भगवान से डरते हैं। मैंने कहा किसी को मुस्लिम से डर है, किसी को इस्लाम धर्म से डर है, डर का माहौल सबको लग रहा है। जब सब डरे हुए हैं तो दंगे कौन कर रहा है? मयंक जी, मेरा सवाल यह है। मैडम, आप अपनी रिकॉर्डिंग चेक कर लीजिएगा। और रही बात दंगा करने वालों की, दंगा करने वाले किसी भी धर्म के नहीं है। ये किसी भी धर्म, कोई भी धर्म दंगा करना नहीं सिखाता है। कोई भी धर्म हो, चाहे मैं हिंदू धर्म से आता हूँ, मेरा धर्म दंगा करना नहीं सिखाता। हमारा धर्म समाज में आप कैसे रहते हैं, आप अपने ईश्वर की आराधना कैसे करते हैं, ये हमारा धर्म सिखाता है। दंगा करने वाले जो लोग हैं, मैं एक चीज बहुत अच्छे से बता दूं, आप एक चीज बहुत अच्छे से ध्यान दीजिए कि जब से यूपी का विधानसभा चुनाव खत्म हुआ है, दिल्ली और अन्य प्रदेशों के चुनाव 2024 के चुनाव की पत्रिका लिखनी शुरू हो गई है। क्योंकि ये दंगे तभी शुरू हुए जब यूपी का चुनाव खत्म हुआ, क्योंकि अब जहां पर चुनाव होने हैं वहां भारतीय जनता पार्टी को अपनी सरकार बनानी है, और ये गुंडे कहीं ना कहीं जो है ये भारतीय जनता पार्टी के भी गुंडे इसमें इन्वॉल्व है। मयंक, अगर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश एक ऐसा प्रदेश है सिर्फ जहां दंगे नहीं हुए। मैं आपको बता दूं, मध्य प्रदेश में भी दंगे हुए हैं, खरगोन में जो दंगे हुए थे, एक घर में तो पत्थर मिले हैं। मयंक यादव, क्या कहेंगे आप, पूरे घर पत्थर से वही। अगर साबरकांठ गुजरात में भी हुए, मयंक, दो गुटों में पथराव हुआ था और तीन प्रभावित क्षेत्रों में अभी भी धारा 144 लगा हुआ है गुजरात में। मयंक, तो यूपी में चुनाव हो चुके हैं, ठीक है, यूपी में चुनाव हो चुके हैं, अब जहाँ चुनाव होने वहां की पटकथा लिखी जा रही है। और मैं जिस लखनऊ में रहता हूँ, यहाँ तो मैं तारीफ करूंगा यहाँ के एक मंत्री की, वो भाषण दे रहे थे, उस समय अजान शुरू होती है, मंत्री जी अपना भाषण रोक देते हैं, मैं वो भारतीय जनता पार्टी के, मैं उनका ऐसे लोगों की मैं कदर करता हूँ, लेकिन मैं उनका विरोध करता हूँ जो धर्म की आड़ में, जो राजनीतिक पार्टियों की आड़ में दंगा भड़काते समाज का माहौल खराब करते हैं। कोई भी धर्म समाज का माहौल करने की इजाजत नहीं। कोई भी धर्म हो, वो आदमी को, भाई व्यक्ति को रहना सिखाता है कि आपको समाज में कैसे रहना है। मैं जिस धर्म से, तो मेरे धर्म की किसी भी धर्म ग्रंथ में ये नहीं लिखा है कि आपको दंगा करना है, किसी भी धर्म से नफरत करना है। भाई आप वो वीडियोस भी दिखाइए जो आरोप लग रहे हैं कि ये जो मस्जिदों पे चढ़ के झंडे लगाए जा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के, या उसके जो संगठन के लोग हैं, जो घटक दल है, वो अपने झंडे लगा रहे हैं, वो चीजें भी हैं। आज तक में जो वीडियो जारी किए हैं, आज तक चैनल के भी वीडियो है, वो आपको चाहिए तो मैं आपको भेज दूंगा। ठीक, एक वीडियो और भी है जिसमें शोभा यात्रा की, दिल्ली वाली शोभा यात्रा की ही है, बहुत अच्छी शोभा यात्रा निकल रही थी, लेकिन उसमें कुछ ना कुछ गुंडे थे जिनके हाथ में, आप, मैं जो वीडियो भेजूंगा उसमें आप देखिएगा कि उनके हाथ में हॉकी, बेसबॉल जैसे जो उपकरण थे वो उनके पास थे। भाई वहाँ मैच खेलने तो गए नहीं थे। मयंक जी, जब मुहर्रम, मयंक जी मेरी बात सुन ले, जब मुहर्रम होता है, देखिए मैं किसी जाति धर्म को कोई ठेस नहीं पहुंचा,
पहुंचाना चाहती हूं। आपने कहा कि उनके हाथ में हॉकी बैट थे, मैं इस पे एक एग्जांपल दूंगी आपको। जब मुहर्रम भी होता है तो लोग चाबुक उनके हाथ में होते, तलवार खुलेआम लहराए जाते, तब तो किसी को डर नहीं लगता मयंक जी, तब तो कोई ये नहीं कहता उनको डर लग रहा है। बहुत शांतिपूर्ण तरीके से प्रशासन के हेल्प के द्वारा वो अपनी जो भी उनका प्रोग्राम है वो पूरा करते, तब तो किसी को डर नहीं लगता। विकास जी इतना भावुक होने की आवश्यकता नहीं है। मैं जी आपको बस बता रही हूँ, आपने कहा लाठी डंडे थे हाथ में, चाबुक और तलवार से तो भी डर लगना चाहिए, लाठी डंडे चाबुक तलवार से ज्यादा डर लगना चाहिए मैं जी। देखिए मैं जिस धर्म की बात हो रही, जिस धर्म पर हमला होने की बात हो रही, मैं भी उसी धर्म से आता हूँ और हिंदू धर्म में ये कहीं नहीं है कि आप शोभा यात्रा निकालें, आप कीर्तन करें, भजन करें तो उसमें लाठी डंडे लेकर रहे हैं। हमारे धर्म में अगर कहीं हो तो आप यहाँ पर मीडिया चैनल पे आप चैनल चला रहे, आप दिखा सकते हैं कि हमारे धर्म में कहाँ लिखा हुआ है। हमारे धर्म ग्रंथ में लिखा हुआ है कि हाथी डंडे लेकर आप शोभा यात्रा निकालें। बहुत सही बात कही मैंग जी, मुझसे मुझे एक बात और याद आ गया, आपकी सरकार में कांवड़ यात्राओं में डीजे चलाना बंद था। मयंक जी कैसी बात कर रहे हैं आप, शायद आपको याद होगा आपकी सरकार में कांवड़ यात्राओं में जो निकलती उसमें डीजे नहीं चला सकते थे। विकास मिश्रा जी आदित्यनाथ की सरकार में भी यही है मैडम, एक आप एक तरफ की बात जो मैं बस आपको एग्जाम्पल दे रही हूँ मयंक जी, मैं आपको एग्जाम्पल दे रही हूँ, आपने कहा ना तो मैं आपको एग्जाम्पल दे रही हूँ। विकास मिश्रा जी क्या कुछ कहना है आपका इस पे, क्या किसी सरकार में जो आपने आरोप लगाया मैडम उसका जवाब सुन लीजिए, जो आपने आरोप लगाया बताए समाजवादी पार्टी की सरकार में जो डीजे में बैन था वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार, आज भी 11 बजे के बाद कोई डीजे नहीं बजा सकता, सॉरी 10 बजे का समय हो गया है। तो ये इस चीज का देखिए आरोप लगाना और सरकारी देखिए जो सरकार द्वारा एडवाइजरी जारी की जाती है, आप दंगाइयों को सरकार से आप कंपेयर नहीं कर सकते। मयंक जी दंगाइयों को भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो उत्तर बिल्कुल मयंक जी हम उत्तर प्रदेश में भी है, हालांकि हम चर्चा और राज्यों की कर रहे हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश लगातार एक ऐसा राज्य है जहां पर दंगे नहीं हुए रामनवमी के दौरान। हमारे साथ मोमिन समाज के प्रवक्ता भी हमारे साथ जुड़े हुए, अकील खान जी क्या कुछ कहेंगे आप इस पर, कितना सही है इस जिस तरह से लोग किसी भी धर्म को ठेस पहुंचा रहे हैं, लगातार धर्म का विरोध कर रहे हैं, कितना गलत हो रहा है ये और किस तरह से प्रभावित करेगा हमारे आने वाले यूथ को भी और हमारे देश को हमारे राष्ट्र को। और हिंदू मुस्लिम राइट कराने की बात करते हैं, ये हमारे मुल्क में चंद लोग हैं जी। लेकिन ये अगर सरकार इनको चिन्हित कर ले, जो दंगा कराने वाले लोग हैं वो चाहे मुस्लिम कम्युनिटी के हो या हिंदू कम्युनिटी के हो, उन लोगों को अगर सरकार के लोग पुलिस प्रशासन चिन्हित कर ले तो मैं ये समझता हूँ कि दंगा कभी हो ही नहीं सकता है। और जहां तक कांवड़ यात्रा की बात है, कांवड़ यात्रा निकले एक ने रोज निकले, किसी मुसलमान को उससे कोई आपत्ति नहीं है जी। बिल्कुल विकास मिश्रा जी जी हाँ, जैसा कि भी मयंक यादव जी कह रहे थे, ऐसा हर बार होता है, कोई भी इस तरीके का कार्य होता है, कोई भी इस तरीके का घृणित कार्य होता है उसको भाजपा सपा इनका मुद्दा बना करके सरकार के ऊपर आरोप लगा करके उसको वहीं खत्म कर देने का प्रयास किया जाता है जी। अगर मयंक साहब हम लोग के साथ हैं, अगर इसके लिए कह रहे हैं कि यह गलत हुआ है और ये किसी धर्म का नहीं है, ये ऐसे लोग किसी धर्म के नहीं होते, तो आप उनका विरोध करें, उनके लिए ये कहें कि हाँ उनको सजा होनी चाहिए। दूसरा आप कह रहे हैं कि ये भाजपा का प्रायोजित कार्यक्रम हो सकता है क्योंकि अन्य जगहों पर इलेक्शन होने हैं, तो मैं आपको बता दूँ उत्तर प्रदेश में भी खत्म हो चुके हैं, गोवा में भी खत्म हो चुके हैं, उत्तराखंड में भी खत्म हो चुके हैं, तो किस जगह की बात आप करना चाह रहे हैं, कहाँ की बात आप करना चाह रहे हैं कि इलेक्शन होने वाले इसलिए हो रहा है। आप इन मुद्दों को इस तरीके से भटकाने का प्रयास न करें, इससे आम जनता परेशान होती है। मुद्दा ये बिल्कुल सही, बिल्कुल सही सवाल था। इससे एक धर्म जो है, एक सेकंड मैक जी, इससे एक धर्म बदनाम हो रहा है, चाहे वो सनातन धर्म हो चाहे वो इस्लाम धर्म हो, धर्म धर्म होता है। अगर कोई व्यक्ति ऐसा कार्य कर रहा है, एक सेकंड सुनिए पहले, एक सेकंड, आप किसी भी मुद्दे को पार्टी से जोड़ के नहीं देख सकते। यह मुद्दा समाज को प्रभावित कर रहा है, यह मुद्दा मानवता को प्रभावित कर रहा है। आप मानवता पे बात करिए, जिस मुद्दे पे बात हो रही है उस पर बात करिए। आप लोग हमेशा भाजपा सपा कांग्रेस क्यों करते हैं? देश बंधु जी अगर हम बात किया जो है जांच की, तो जितने भी दंगे हुए हैं किस तरह की जांच की उम्मीदें होनी चाहिए और किस तरह से कार्रवाई होनी चाहिए कि जो भी दंगाई है, दंगाइयों का कोई धर्म नहीं होता, उनका कोई जात नहीं होता, किस तरह की कार्रवाई होनी चाहिए कि इनमें भय का माहौल पैदा हो, जिस तरह से उत्तर प्रदेश में एक भी दंगे नहीं हुए, देश के किसी कोने में भी जाति धर्म को लेकर कोई दंगे ना हो। देखिए मैंने सभी की बातों को ध्यान से सुना, मयंक जी ने भाजपा पे बहुत बहुत आरोप लगाए, मुझे भी अपनी बात कहने का आप अवसर देंगी,
आशा करता हूं 2 मिनट मुझे भी दें ताकि मैं देखिए बार बार इन्होंने दोषारोपण करा भाजपा की सरकार। मैं भारतीय जनता पार्टी का एक कर्मठ कार्यकर्ता होने का ये जिम्मेदारी से कहना चाहता हूं, 5 वर्ष के कार्यकाल में हमारे मयंक जी बता दें एक भी कोई दंगा हुआ हो, यही हमारी सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि हो, चाहे कुंभ का मेला हो और चाहे ईद की ईद हो या दीपावली हो, सभी धर्मों ने अपने त्योहार खूब खुशियों से मनाए। कोरोना की विभीषिका में भी हमने व्यवस्था की कि शांति पूर्वक सभी अपने अपने त्योहारों को मनाए। और आप ये बताएं ये बात करते हैं उल्टे मुंह चोर कोतवाल को डांटे, आप बताइए यही सपा बसपा की सरकारें 1000 से ज्यादा दंगे हैं। आप अपने पुराने अगर मैं चित्रों पे जाऊंगा तो ये डिबेट कम हो जाएगी। आप भाजपा सरकार भारतीय जनता पार्टी की उपलब्धियां देखी और देखिए आपको एक चीज मैं जी बता दूं, आप हिंदू हैं, हिंदू मैं भी हूं, हिंदू आस्था का प्रतीक है और हिंदू एक धर्म नहीं एक अपने आप में ब्रह्मांड है। और आप जहां तक आप भाजपा पे बार बार आरोप लगा देते हैं और कहते हैं ये पटकथा आपकी है, भारत उत्तर प्रदेश की 24 करोड़ की जनता आज इतनी समझदार है और कहां किसकी पटकथा है, कौन निर्देशक है, कौन निर्माता है, जिसके खुद के परिवार में, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं, खुद के परिवार में रोज लड़ाई झगड़ा होता है, वो पार्टी क्या संभालेगा, वो प्रदेश क्या संभालेगा, ये झगड़ा करने की और ये अपराध की मानसिकता समाजवादी पार्टी की मानसिकता है और उसके बाद लूट खसोट की मानसिकता बसपा और कांग्रेस सरकार में। और आप जो कहते हैं उत्तर प्रदेश की जनता विकास के पथ पर चली है, 2014 से आप असफल प्रयोग कर रहे हैं और हर बार आपका दोषारोपण, हारते हैं जहां जीतते हैं वहां ईवीएम अच्छा है और जहां हारते हैं वहां ईवीएम खराब है, जहां दंगा हो जाता है वहां कानून व्यवस्था पे प्रश्न चिन्ह लगाते हैं। 5 साल में हमारी सरकार में एक भी दंगे नहीं हुए और इसकी विजय श्री 2022 में हमें चुनाव में आशीर्वाद दे के जनता का मिला है। 2014 ले लीजिए, 2017 ले लीजिए, 2019 ले लीजिए, 2022 ले लीजिए, दंगे वाली पार्टी कौन सी है ये सर्वविदित है। और दंगे में किसका नाम आता है, किस जाति विशेष का नाम, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं। और जैसा कि हमारे एक अभी चैनल पर एक व्यक्ति ने कहा, अपराध और आतंकवाद की कोई जाति धर्म नहीं होती है, अपराध की मानसिकता के लोग केवल अराजकता फैलाते हैं। और हमारे मुख्यमंत्री का ये पहली सरकार 1.0 में भी और 2.0 में है कि जो भी अगर गलत काम करेगा और अपराधी प्रवृत्ति के लोग हैं या उत्तर प्रदेश छोड़ दें नहीं तो हमारा बुलडोजर उन पर चलेगा और उनके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी। और हमारी भारतीय जनता पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जो अमीर से लेके गरीब, अगड़ों से लेके पिछड़ों तक सभी जाति धर्म के बारे में हमारे सरकार में उत्तर प्रदेश या जहां जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, आप बता दीजिए कोई दंगे। अभी मुजफ्फरनगर के दंगों को कोई भूला नहीं मान्यवर, मैं पिछली बातों में नहीं जाता हूं, आज का उत्तर प्रदेश विकास के पथ पर चल चुका है। और मैं ये आपको कह दूं, भारतीय जनता पार्टी ये है एक लोकतांत्रिक पार्टी है जो अनुशासित है, आप अपने परिवार के झगड़े निपटाइए, जो जिसकी जैसी मानसिकता होती है वैसा चाल चरित्र चेहरा दिखाई देता है, जो अपने परिवार में झगड़े कर रहा है, जो अपने चाचा का सम्मान नहीं कर पा रहा है, जो अपने पिता का जो है सम्मान नहीं दे पाता है, जिसकी बहू घर छोड़कर चली गई, वह बातें करे तो अच्छा ना हो। पहले आप अपराध, और ये भी बता दूं अभी तक तो आपने, मैंने आप अपनी पार्टी की बात करिए, भाजपा पर दोषारोपण बंद करिए, और रही बात हमारी सरकार की बात, हम इस चीज के लिए प्रतिबद्ध हैं कि कानून व्यवस्था के नाम ऊपर कोई नहीं है, चाहे वो कोई भी शक्ति हो, कोई भी आसुरी शक्ति होगी, अगर उत्तर प्रदेश को अस्थिर करेगी तो उसके खिलाफ हमारी सरकार कठोर से कठोर कार्रवाई करेगी। मयंक यादव जी क्या कहेंगे आप इस पर, भाजपा के प्रवक्ता महोदय से पूछ लीजिए जी, बोले कि कुछ और बोलना चाहेंगे। नहीं, आप अपना पक्ष रखें। नहीं, आपने देखिए, मैं कुछ बोलना नहीं, मैंने जी आपने बोला तो मैंने ध्यान, मैंने पहले ही कह दिया था 2 मिनट, आप लोग मेरी बात सुने, हम इस डिबेट को किसी पार्टी पक्ष के लिए नहीं कर रहे हैं, हम किसी पॉलिटिकल पार्टी की बात नहीं करेंगे, हम सिर्फ और सिर्फ धर्म की बात कर रहे हैं, हम सिर्फ और सिर्फ उन कुधर्मियों की बात कर रहे हैं जो किसी जाति धर्म को नहीं मानते हैं, दंगे फैलाते हैं, हम उनके चर्चा करने के लिए बैठे, यहाँ कोई राजनीतिक मुद्दा हम नहीं बनाना चाहते हैं। आप दोनों प्लीज समझे, मैंने जोड़ कर पहले ही भी बोला था, लेकिन मयंक जी बार बार हर चीज का दोषारोपण जनता पार्टी पे कह रहे थे, उसी बात का मैंने प्रत्युत्तर दिया, भारतीय जनता पार्टी सभी धर्मों का सम्मान करती है और चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे कोई भी जाति विशेष का हो,
सबको अपना त्योहार खुशियों से मनाने का अधिकार है। को समझती हूँ, अगर सरकारें, ठीक है आपने बहुत अच्छी बात कही कि कोई भी पार्टी, आपकी पार्टी इज्जत करती है हर किसी की, हर किसी का यही कहना उसकी जो पार्टी है एक हर जाति धर्म की इज्जत करती है, लेकिन मैडम कुछ बोलने को मिलेगा कि भारतीय जनता पार्टी को ही मौका मिलेगा जी? सही जांच क्यों नहीं होता? आप इन मुद्दों पर बात करें, मयंक अपनी बात रखें आप। मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता महोदय से बोल रहा हूं, कुछ बचा है तो भी बोल लीजिए। बीच में टपर टपर ना करिएगा, हमारे पास वक्त कम है। मैडम टपर टपर ना करके बोलने लगे, देखिए नहीं चुनाव से पहले आप बोल रहे थे, जब जनता ने आपको मुंह की हार दी तो हर चीज का ठीकरा भाजपा भी उड़ते, आप अपनी पार्टी को बोलने तो दोगे, बोलने तो दोगे। अभी विधान परिषद के भी चुनाव में मुंह की हार गए और आप भाजपा भाजपा कहते हैं टपर टपर, आप अपनी बात को कहिए ना, आप अपनी पार्टी की बात। बीच में टपर टपर ना करो, ये कह रहा हूँ मैं, शुरुआत आप ही ने की है भाई साहब। टपर टपर बकवास की बात मत बोलिए, जब आपसे सवाल लिया जाए तब बोला करिए। ये जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता महोदय रखने की, देखिए कैसे बोल रहे हैं, ऐसे लोगों को आप डिबेट से बुलाते हैं जिनको बिल्कुल भी तमीज नहीं है, डिबेट कैसे की जाती है? कुकर में थे कि आप रसातल के तले पे चले गए थे, मैं टपर टपर नहीं कर रहा हूँ। ऐसे लोग मत बुलाते हैं, बीच में टपर टपर बोले मामले को खराब कर। जब न्यूज खुलवाना था तो हम लोग को क्यों इन्वाइट, मैडम जब इन्हीं को बुलवाना था तो हम लोग तो क्यों बुलवाया? अपनी बात रखे आप, मैं अपनी बात रखे आप। मैडम मैं बात रखता हूँ, ये बीच में टपर टपर करने लगते हैं, मेरे बीच में कहिए टपर टपर ना करें। देखिए फिर बोल रहे हैं, ये देखिए इनकी ये पछतानी हरकतें, ये पहले तो मैं बात करूंगा, अनर्गल बात डिबेट करने की ना करिए, बता दीजिए जिस तरह की बातें अभी की गई, बात हम धर्म की कर रहे हैं, लेकिन लोग इस वक्त बात सिर्फ और सिर्फ राजनीति के कर रहे हैं, किस तरह से आप बोलने का मौका मिलेगा कि नहीं मिलेगा ये बताइए पहले। मयंक जी आप अपनी बात रखे, मैं एक निवेदन कर रहा हूँ अपने भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता महोदय से, बीच में टपर टपर ना करें, आप निवेदन है आप या तो इनकी वॉइस बंद करें। ये लोग जी अपनी बात रखे और आप दोनों लोग प्लीज भाषा का मर्यादा रखें। रखने कहाँ दे रहे हैं, अब रखें मयंक जी अपनी बात रखें, हमारे पास समय की कमी है। जो महोदय बता रहे थे कि अपराधों की बात, तो मैं सिर्फ एक बात कहना चाहूंगा भाई साहब, आप एनसीआरबी का जो डेटा आया था उसके आंकड़े उठा के देख लीजिएगा कि मायावती की सरकार में अपराध क्या था, अखिलेश यादव। एनसीआरबी के कौन से वर्ष की वित्तीय वर्ष की बात करेंगे आप? एनसीआरबी की बात करते हैं, कौन से वित्तीय वर्ष की बात करेंगे? एक वर्ष की बात करेंगे, तीन वर्ष की बात करेंगे, पांच वर्ष की बात करेंगे? देश बंधु जी आप बाकियों को तो मौका दें, बाकियों को मौका दें, मैं अपनी बात रखें आप। मैडम ये बीच में क्यों टपर टपर बोल रहे, जब बोलो सुनने की क्षमता इनके अंदर है तो क्यों बुलवाती हैं इनको? मयंक जी आप अपनी बात रखें, समय की कमी है आप सभी। अरे तो भैया बोलने तो दोगे, तुम्हारा सुनना हमने ना सुनना है कि नहीं? सुनना है कि नहीं? तथ्यों को मत प्रेषित करिए, तथ्यों को सही प्रेषित करिए। अरे बोलने तो दोगे मेरे भाई? मयंक अपनी हर जगह टपर टपर बोलने से सरकार नहीं आ जाती है, ठीक है? गाजियाबाद, बुलंदशहर, कानपुर में जो डेली लूट हो रही है, प्रयागराज में एक ही घर के पांच लोगों की हत्या हो गई, इस पर योगी आदित्यनाथ सरकार क्या कर रही है, ठीक है? और आए दिन अपराध हो रहे हैं लखनऊ में, पुलिस वाले ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जवाब करते हैं, उस पर क्या बोलना चाहोगे? जो लूट करते हैं उस पर क्या बोलोगे? सुनोगे? इसके बाद उत्तर प्रदेश में कौन सा विकास हुआ? विकास की पांच योजना गिना दो खाली, कौन सी बिल्डिंग बना दी इतने समय में, कौन सा एक्सप्रेसवे बना दिया, कौन सा हाईवे बना दिया आपने, कौन सा स्टेडियम बनवा दिया आपने, कौन सा अस्पताल बना दिया आपने? जी प्लीज आप हमारी बात एक बार सुन ले, आप मेरी बात एक बार सुने। अभी जो सबसे बड़ा मुद्दा निकल के सामने आया है वो ये निकल के सामने आया है, आप प्लीज ध्यान से सुनिएगा, जिस तरह से शोभा यात्राओं पे पथराव हुआ है उस पर क्या कुछ कहना है, मैं हम उसके बारे में आज चर्चा करने बैठे मयंक जी, हम विकास के मुद्दे और तमाम मुद्दों पे बात करेंगे, लेकिन आज का जो मुद्दा है वो हमारा ये है कि जो पथरा हुआ शोभा यात्राओं पर उस पे क्या कहना है? मैं सवाल उठे तो उन्हीं का जवाब दे रहे थे, अब मैं आपकी जी कहे मयंक जी, अब आपकी बातों का जवाब ये है जी मैम,
जो लोग ये गुंडागर्दी ये दंगाई कर रहे हैं, मैं उनकी बहुत कड़े शब्दों में निंदा करता हूं, भर्त्सना करता हूं। ऐसे मैं चाहता हूं प्रशासन इन पर कठोर से कठोर कार्यवाही करे। और जो लोग इन दंगों को धर्मों से जोड़ते हैं, चाहे वो हमारे सनातन धर्म से हो या मुस्लिम धर्म से हो, ठीक है, ये कतई गलत है। कोई भी धर्म दंगा करना, समाज में अराजकता फैलाना नहीं सिखाता है। कोई भी धर्म गुरु हो, चाहे वो हमारे धर्म के हो चाहे किसी अन्य धर्म के हो, वो हमेशा व्यक्ति को सद्मार्ग पर चलने के लिए ही कहते हैं, ठीक है। और क्या हुआ मैम, देखिए सरकार के पास तमाम तरह की एजेंसियां होती हैं, तो वो पहले ही बताती हैं कि हाँ यहाँ माहौल सही हो रहा है, यहाँ माहौल खराब हो रहा है। जो शोभा यात्रा निकलनी वो कोई छोटी शोभा यात्रा नहीं थी, बड़ी शोभा यात्रा थी। हनुमान जी का प्रकाट्योत्सव था, उसकी शोभा यात्रा निकल रही थी, और उसका जो रास्ता था वो कई मंदिरों मस्जिदों के पास से जा रहा था, जहां की सरकार के पास जो अभी जानकारियां आई हैं तो वो कहा जा रहा था कि सरकार को थोड़ा बहुत इसके बारे में, तो वो सरकार का देखिए पहली बात तो फेल्योर है। और मैं दाद दूंगा उन पुलिस कर्मियों की जो वहां पर मौजूद थे, उन्होंने बहुत से लोगों को बचाया जी। बहुत सी गाड़ियां, पुलिस किसके अंतर्गत आती है आपको पहले यह तो जानकारी हो। एक तरफ कहते हो सरकार का फेल्योर है यार, फिर कहते हो यार यही यही मेन चीज आप गलत चीज बात करते हो प्रतिष्ठित चैनल पे। पुलिस किसके अंतर आती है? पुलिस गृह मंत्रालय के अंतर आती है। गृह मंत्रालय जो है सरकार के पास होता है, हमारे मुख्यमंत्री का है। एक तरफ कहते हो सरकार का फेल्योर है, दूसरी कहते हो पुलिस। अरे पुलिस किसके शासन प्रशासन के बारे में कुछ आता है? अंदर का खाली बकवास करते रहते हो। पुलिस किसके अंतर्गत आती है? फौज किसके अंतर्गत आती है? पहले किसके अंतर्गत आती है? पुलिस प्रशासन किसके अंतर्गत आता है? पहले जानकारियां रखा तो कुछ भी बहुत देखा जाओ, टीवी पे नहीं आके आता है। खाली बैठी बकवास कर देते बड़े पर पुलिस विभाग किसके अंतर्गत आता है? पहले ये बताओ। पुलिस किसके अंतर्गत आती है? सरकार के अंतर्गत आती है। दो बातें गलत तरह का करो, कोई नहीं समझ पाएगा, आराम से बात करें। वही दुर्गति थी कि आज कहां कहां पहुंच गए। देशबंधु जी प्लीज आप चुप रहे। देशबंधु जी अभी हम बात कर रहे थे ना कि दंगा फैल रहा है, शांति फैल रही है, हम यहाँ पे मुद्दे पर बात कर रहे हैं, आपस में ही लड़ बैठे, यही तो सबसे बड़ी दिक्कत है। नहीं मैडम ये गलत बात है, मेरी बात समझे देशबंधु जी, मेरी बात सुनिए, भारतीय जनता पार्टी कह रही है आप देशबंधु जी, आप लोग आपस में ही लड़े बैठे, ऐसे ही लड़ते रहेंगे तो क्या न्याय होगा, क्या जांचें होंगी? आप इस बात का जवाब दे पहले। आप लोग आपस में ही लड़ने बैठ गए हैं, बात इंसानियत की हो रही है, आप लोग आपस में लड़ रहे हैं। आप यहाँ शांति की बात करने बैठे हैं ना, आप यहाँ शांति की बात करने बैठे हैं, आपस में ही लड़ रहे हैं। प्लीज मेरे चर्चा में इस तरह की बातें सुनना सीखे आप लोग पहले। बात शांति की और भी है, पहले उनको भी सुना जाए। बिल्कुल बिल्कुल अकील खान जी, जिस तरह से हम आज इस चर्चा को हम बात कर रहे हैं शांति की, हम बात कर रहे हैं राष्ट्र एकता की, हम चर्चा करने बैठे आपस में लड़ गए, हमारी इस आपसी लड़ाई से ही ना ये सारे दंगे भड़क रहे हैं। अगर हम आपस में समझे और सरकार से मांग करें कि जांच किया जाए तो शायद ये दंगे नहीं होंगे। अकील खान जी किस तरह से आप इसको देखते हैं, जिस तरह से हम न्याय की मांग करते हैं और आपस में ही लड़ जाते हैं? देखिए मैं आपको बता दूं, ये जो भाजपा सपा के प्रवक्ता वहां पर बैठे हैं, ये राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं। अभी कानून व्यवस्था की बात हो रही थी तो प्रदेश के अंदर कानून व्यवस्था क्या है ये सबको मालूम है। अभी एक दिन पहले का लखनऊ, राजधानी लखनऊ के अंदर मलियां थाने के अंदर से पुलिस कर्मियों ने 70,000 रुपए की लूट की है, उनके खिलाफ पुलिस प्रशासन ने सख्त कार्रवाई की है। लेकिन मैं उस मुद्दे पे नहीं जाना चाहता हूँ, सिर्फ जिस मुद्दे पे डिबेट हो रही है मैं उस मुद्दे पे बात करना चाहता हूँ। जो हिंदुस्तान और उत्तर खासकर उत्तर प्रदेश के जो शांति व्यवस्था है, उस शांति व्यवस्था से हम दोनों की जिम्मेदारी बनती है, और दोनों समाज के लोग जो दंगाई है, दंगाइयों का कोई धर्म नहीं होता, कोई जात नहीं होती है। इसलिए मैं उत्तर प्रदेश सरकार के मुखिया
आली जनाब योगी आदित्यनाथ साहब से मांग करता हूं कि जो दंगाई है इनको चिन्हित करके, जो गलत काम करते हैं इनका चिन्हित करके इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो। जी बिल्कुल विकास जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। जिस तरह से लगातार हम बात करते हैं शांति की, हम बात करते हैं धर्म की, लेकिन हम आपसी में लड़ जाते हैं, और ये कितना गलत होगा और कितनी हानि पहुंचेगी हम सभी के धर्म को। हम सभी का धर्म एक है, हम सब हिंदुस्तानी, हमारे हिंदुस्तान को कितना इसका नुकसान पहुंचेगा हमारी आपसी लड़ाई का। देखिए, जब भी कोई भी ऐसी बात होती है, किसी भी ऐसे मुद्दे पर हम डिबेट करने बैठते हैं जी, तो हमेशा राजनीति दल आपस में लड़ जाते हैं, जो मैंने आपसे पहले भी बोला, और ये बहुत गलत बात है। आपको उन मुद्दों पर बात करनी चाहिए। एक चीज़ देखने में आ रही है कि जैसा ही मयंक यादव जी ने बोला, जब से इलेक्शन खत्म हुए हैं ये सब कुछ हो रहा है। मानता हूँ मैं इस बात को कि हाँ, तब से ज़्यादा हो रहा है, लेकिन एक ही धर्म पे क्यों हो रहा है? हमारी शोभा यात्रा हनुमान की निकली, उसमें हुआ, हनुमान जी की शोभा यात्रा में आपने अटैक किया। हमारी रामनवमी की यात्राएं निकली, आपने उस पर अटैक किया। हम ये बताना चाहते हैं कि भाई, हमारे मुस्लिम भाइयों का भी मुहर्रम होता है, ताजिया निकलता है, और कितने आराम से निकलता है, कोई किसी भी तरीके का कोई दंगा नहीं होता, क्यों? तो ये एक प्रायोजित कार्यक्रम है, एक ये मुद्दा बनाया जा रहा है, एक इसको उठाया जा रहा है, आपस में लड़वाने का प्रयास किया जा रहा है। आप सबको उसमें आना चाहिए, और हम मुस्लिम भाइयों से भी, खासकर अपने अकील खान साहब से भी हम अनुरोध करेंगे कि इसमें खुल के सामने आए और उन लोगों को चिन्हित करें और उनको जो है सजा दिलवाएं, क्योंकि ये सामाजिक सौहार्द बिगाड़ रहे हैं, ये हमारे आपके बीच नफरत पैदा कर रहे हैं, ये हमारे देश की स्थिति को बर्बाद कर रहे हैं। अकील खान जी, एक फाइनल कमेंट मैं आपसे चाहूंगी। सिर्फ मैं उत्तर प्रदेश सरकार से मांग करता है, पिछड़ा मुस्लिम मोमिन समाज संगठन, कि पूरे प्रदेश में जो मस्जिदों के ऊपर ये कुछ दंगाई जैसे जिनको कहा जाता है, मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन जो मस्जिदों पर झंडा फहराने का, भगवा झंडा फहराने का काम करते हैं, इनको चिन्हित करके इनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, जब जाके सरकार का एक बात बुलंद हो पाएगा। विकास मिश्रा जी, अकील खान जी, जो अभी आपने बोला कि मस्जिदों पे झंडा, पहली बात तो आज ये मुद्दा नहीं है, दूसरी बात इस पे ऑलरेडी चर्चा चल रही है, उस पे उनको चिन्हित किया गया है, उन लोगों को देखा जा रहा है। इस समय बात ये चल रही है कि जो पथराव किए गए मस्जिद से किए गए, और मस्जिद से पथराव किए गए तो उस पर चर्चा होनी चाहिए और उन लोगों के भी खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। मैं आपसे कह रहा हूँ कि कोई भी ऐसा व्यक्ति हो, किसी भी धर्म की तरफ से कर रहा हो, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। और आप हर बार मुद्दा उठा के ले आ रहे हैं मंदिरों पे, हिंदुओं पे, कि उन्होंने मस्जिदों से झंडा कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। आप एक सामाजिक सौहार्द की बात क्यों नहीं करना चाहते? आप ये क्यों नहीं कहना चाहते कि हाँ, उन व्यक्तियों को टारगेट करके उनको सजा देनी चाहिए जो इस तरीके का गलत कार्य कर रहे हैं? देशबंधु जी, जिस तरह से लगातार हिंसे भड़क रहे हैं, पत्थरबाजियां हो रही हैं, और किस तरह से देखते हैं, किस तरह से जांच होनी चाहिए, किस तरह से कठोर कदम सरकार को उठाना चाहिए कि हम जाति धर्म में विभाजित ना होकर एक बने, हिंदुस्तानी बने, क्योंकि हिंदुस्तान सभी धर्म और जाति की इज्जत करना सिखाता है, इस तरह के दंगे भड़काना नहीं सिखाता। समाजवादी प्रवक्ता की बहुत बढ़िया भूमिका निभाई, और बार बार मंदिर और कुल मिला के भाजपा पे भी ये समाजवादी प्रवक्ता बनने का पूरा परिपूर्ण है। मैं इनको शुभकामनाएं देता हूँ कि समाजवादी प्रवक्ता का पक्ष रखते हुए बहुत अच्छे लगते हैं। और भाई, रही बात मंदिर मस्जिद की बात है ना, इनके शब्द और इनकी बॉडी लैंग्वेज साफ बात कर दी, और आज आइए मेरा शब्द समाजवादी पार्टी से कोई लेना देना नहीं, मेरा अपना संगठन है पिछड़ा मुस्लिम मोमिन समाज संगठन, सब प्रदेश के पूरे 75 जिलों में गरीब अजहाबाद की मदद करता है। राम मंदिर हमारी, मैं विकास जी से एक बात का जवाब देना चाहूंगा, हमें बस 10 सेकंड दे दिए जाए, बस मैं हम आप ही के पास आ रहे हैं, नहीं है मेरी बात सुनिए, 24 करोड़ की जनता जनार्दन ने माननीय योगी आदित्यनाथ के किए गए विकास के कार्यों पर मोहर लगाई है, और पुनः भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता महोदय बहुत इंटरेस्ट करते हैं, इस बात को मर्यादित है, अगर आप नहीं पता कि डिबेट में कैसे बैठा जाता है। समाजवादी पार्टी का पक्ष रखना है, और आप एक धर्म के विषय में बात करेंगे, मैंने आपको कहा था जनता जनार्दन से बड़े आप नहीं है, अभी चुनाव हुए हैं, विधान परिषद के भी हैं, विधानसभा में ठीक है भैया, लड्डू खाओ और लोगों दो के जगह चार लड्डू खाओ, चुनाव जीत लो, विधान परिषद भी जीत लो, लड्डू खाओ, खुश रहो, बात मत किया करिए, पहले आप भी मत किया करिए,
तब अपना पक्ष रखा करिए। एनसीआरबी का आंकड़े पहले देख के आइए। एनसीआरबी का आंकड़े कौन से साल के एनसीआरबी के आंकड़े की बात कर रहे हैं? एनसीआरबी के आंकड़े की बात कोई यहां पे ना करे। टमाटर मारा समझ में नहीं आ रहा है। बहन जी प्लीज आप ऐसी अभद्र भाषा का प्रयोग ना करें। और सुनिए एक लास्ट कमिटमेंट मैं कर देता हूँ। देखिए शांति व्यवस्था कानून व्यवस्था और मैं अपने पीसीआर से कहूंगी कि देश बंधु जी की आवाज थोड़ी कम कीजिए। बहुत ध्वस्त चल रही भाई साहब, बहुत ध्वस्त चल रही है। योगी आदित्यनाथ जी को समझाइए कुछ करें। पक्षा नहीं जाएगा। ये हमारे मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी का पहला है कि कानून व्यवस्था के साथ कोई खिलवाड़ नहीं रहे। उत्तर प्रदेश में रहिए, हंसी खुशी से पेपर में पढ़ते क्या का त्योहार मनाए। पढ़ लिया करो भैया। और जो कोई भी मयंक जी डिबेट कर रहे हैं आपके पास आ रही हूं। मयंक जी डेली जो हादसे होते हैं, डेली जो जघन्य अपराध हो रहे हैं, उनसे आप डेट रहा करिए भैया। अपनी बात करो ना यार। 1000 ठीक है छोड़िए। आपको जो अभी विकास जी थे मयंक जी समाजवादी पार्टी, आपको लगता है कि आप क्यों हारे? देश बंधु जी मेरी एक बात सुनिए, आप एक बात सुनिए। आप इस वक्त सत्ताधारी पार्टी है और आप मुद्दों से क्यों भड़का रहे हैं, भटक रहे हैं? माफ कीजिएगा, क्यों मुद्दों से हटा के बात कर रहे हैं? देश बंधु जी क्या हो रहा है? बुलंदशहर में क्या हो रहा है? कानपुर में क्या हो रहा है? खाली 3 शहर के अपराध देख लो और योगी आदित्यनाथ का गोरखपुर देख लो। और उनके साथ गोरखपुर बुलंदशहर गाजियाबाद 3 जिले आपस में लड़ाई कर रहे हैं कि अपराध में मैं आगे, अपराध में मैं आगे। योगी आदित्यनाथ अपराध को नया व्यापार बना रहे हैं। मैं पीसीआर से कहूंगी कि दोनों लोगों की आवाज थोड़ी कम कर दी जाए। देश बंधु जी प्लीज आप बात समझे। आप सत्ताधारी पार्टी के प्रवक्ता है, आप मुद्दे पे बात नहीं कर रहे। आप मुद्दे पे बात करें, मुद्दे से ना भटके आप लोग। आज का मुद्दा कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं है, आज का मुद्दा धर्म का मुद्दा है, आज का मुद्दा अपने हिंदुस्तान का मुद्दा है। राजनीतिक रोटियां ना सेके इस डिबेट में। मैं राजनीति के मुद्दे पे डिबेट करने नहीं बैठी हूँ। तमाम लोग घायल हुए हैं, तमाम लोगों को चोट लगा है, तमाम उंगलियां उठाई जा रही है अलग अलग धर्म पर। उन निर्दोष निर्दोष लोगों के ऊपर भी उंगलियां उठाई जा रही है जिनका इनसे कोई लेना देना नहीं है। तमाम मुसलमान ऐसे है जिनका कोई लेना देना इससे नहीं है, तमाम हिंदू ऐसे जिनका कोई लेना देना नहीं है। लेकिन सवाल उठ रहे तो प्लीज आप लोग मुद्दे पे बात करें। आप लोग पार्टी के प्रवक्ता है, एक जो सत्ताधारी पार्टी वक्त आप लोग आपस में ही लड़ रहे हैं। क्या जांच की मांग करेंगे आप लोग? क्या न्याय की उम्मीद कोई रखे आप लोगों से? अपनी बात रखने के बजाय आप लोग हल्ला मचा रहे हैं। मयंक जी एक फाइनल कमेंट दे आप, और सिर्फ हमारे आज के मुद्दे पे। मयंक जी कोई राजनीतिक रोटी यहाँ नहीं सेकेगा। अरे मैडम विकास जी की बात अभी कह रहे थे, उन्होंने सारी बातें कही कि दोनों धर्म में कोई झगड़ा नहीं करना चाहता है। बस उनकी एक बात उन्होंने ये कही कि एक धर्म के लोग जाते हैं और वो लोग दंगा करते हैं। मैं ये कहना चाहूंगा विकास जी, मैं यादव हूँ, आप भी अन्य बिरादरी से, हम हिंदू हैं, लेकिन अगर मैं आपके घर के बाहर खड़ा होकर विकास जी आपकी बिरादरी को उल्टा सीधा बोलूं, आपके परिवार के बारे में अभद्र भाषा में बात करूं, स्वाभाविक सी बात है कि आपको भी गुस्सा आएगा। अगर मैं आपके घर से चुपचाप निकल जाऊं, आप मेरे घर के बाहर से अपना काम करके चुपचाप निकल जाए तो कोई गलत बात नहीं होगी, लेकिन अगर मैं आपके घर के बाहर, आप मेरे घर के बाहर, हम दोनों एक दूसरे की जात या परिवार को लेकर कोई अभद्र शब्द बोलेंगे तो जाहिर सी बात है रिएक्शन आना। भाई शोभा यात्रा निकल रही थी, शोभा यात्रा अगर चुपचाप निकल जाती उसमें 4-5-6 दंगाई शामिल हो गए होंगे। उन्होंने जाकर मस्जिद के बाहर अभद्र तरह के नारे लगाए। आप विकास जी मेरे पास वीडियो है, मैं अभी त्रिष्णा जी को भेज दूंगा, देख लीजिएगा, आज तक की वीडियो है, ठीक है। और एक वीडियो और है उसी शोभा यात्रा की, उसमें आप देख लीजिएगा कि भारतीय जनता पार्टी जिन नारों का प्रयोग अपने राजनीतिक प्रचारों में करती है वो नारे हैं वो फिर गलत बात आप कह रहे हैं। फिर मैं बोलूंगा तो मैं जी आपको खराब लगेगा। आप फिर भारतीय जनता, आप अपनी पार्टी का पक्ष रख लीजिए, मुद्दे से भटका ना कहीं, फिर वही गलत बात करते हैं। तो मुद्दे की बात करिए, आप फिर भारतीय जनता पार्टी की बात करते हैं। ये बीच में खेलूंगा तो आपको बुरा लगेगा। विकास जी आप पहले मुद्दे बात क्या करिए, आप अपनी पार्टी की बात करिए। मैं इनसे कोई बात नहीं करना चाहता, इनको जरा से भी तमीज नहीं। मेरी बात करने का बात ही नहीं होता, आप अपनी बात को रखिए, अपनी पार्टी की बात रखिए। आप बोल पहले आप मुद्दे पर आइए। नहीं, भारतीय जनता पार्टी पर दोषारोपण छोड़ दीजिए। भारतीय जनता पार्टी को जनता जनार्दन का आशीर्वाद मिल गया है, उससे आपको आपके सर्टिफिकेशन या आपके चरित्र प्रमाण पत्र की जरूरत नहीं होती। तथ्यों पे बात करिए, जो सब्जेक्ट है उस पर बात करिए।
जो विषय है विश्राम का तो मत बताइए, फिर वही बात है विश्राम का तो मत बताइए, विषय पर आइए और सत्र पर बात करिए। नहीं पहले सुनते नहीं सुनिए, आप गलत बात न करिए, आप नहीं बोल पाओगे तो गलत बात में नहीं सुनिए। गाजियाबाद में लूट हो रही है, फिर से लूट हो रही है, क्या बोलोगे? बहुत सामने भारतीय जनता पार्टी कानून व्यवस्था की कतई मत करिए, कानून व्यवस्था की मत करिए। आप सही बात करिए, गलत बात आप करेंगे बेहद ही शर्मिंदगी की बात है कि सत्ताधारी पार्टी और विपक्ष इस तरह से लड़ रहा है इस वक्त पर। बेहद ही शर्मिंदगी की बात है ये, जब कितने लोगों के खून बह रहे हैं, आप दोनों लड़ रहे हैं आपस में। देश बंधु जी, आप लोग कहते हैं आप लोग धर्म के रक्षक हैं, राम के नाम पर आप लोग 2012 और ना जाने कब से चुनाव लड़े, आप ऐसी बातें कर रहे हैं, आप अभी भी राजनीतिक बातें कर रहे हैं, बेहद ही शर्म की बात है। अगर सत्ताधारियों में विकास देव आपसे एक फाइनल कमेंट चाहेंगे कि क्या कुछ किस तरह से जांच करनी चाहिए और किस तरह से हिंदुस्तान में शांतिपूर्ण तरीके से लोगों को जीना चाहिए ताकि हमारे देश का विकास हो, हम सांप्रदायिक हिंदू मुसलमान के झगड़े में ना निपटे फंसे रहे। जैसा कि अभी मयंक यादव जी ने अभी हमसे बोला कि विकास जी को सुनने दीजिए, जैसा कि भी मयंक यादव जी ने बोला कि इनके पास कुछ वीडियोस हैं जो यात्रा में कुछ लोग शामिल थे, उनके हाथ में सब कुछ था, वो तो खैर इनके पास एविडेंस है वो अपना देंगे। लेकिन मैं कहना चाहूँगा, मैंने किसी भी वक्तव्य में आपसे ये नहीं कहा कि किसी एक धर्म के लोगों ने ये किया, मैंने आपसे कहा जिन लोगों ने ये किया वो किसी धर्म के ही नहीं है, चाहे जिस ओर से हुआ, लेकिन हुआ और मस्जिद से पत्थरबाजी हुई। मेरा सिर्फ इतना कहना है या अनुरोध है अपने मुस्लिम भाइयों से भी, अकील खान साहब यहाँ बैठे हुए हैं, भाजपा के हमारे प्रवक्ता बैठे हुए हैं और बहुत सभा की बात है, सपा के भी विपक्ष के नेता भी यहाँ बैठे हुए हैं, आप सबसे अनुरोध है कि एक बिल्कुल निष्पक्ष जांच हो, किसी धर्म समुदाय के ऊपर आरोप अभी ना लगाए जाएँ, पहले उसकी जाँच हो और उन व्यक्तियों को सजा दी जाए, क्योंकि व्यक्ति किसी धर्म के नहीं होते जो इस तरीके का कार्य करते हैं, जो सामाजिक सौहार्द को बिगाड़ने का प्रयास करते हैं। मैंने एक बार भी हिंदू या मुस्लिम के ऊपर आरोप लगाए नहीं, मैं तो उन व्यक्तियों के ऊपर आरोप लगा रहा हूँ और उनको किसी धर्म का मानता ही नहीं हूँ, क्योंकि सनातन धर्म सनातन संस्कृति सबको लेकर चलने के लिए है, वो हमेशा सर्वभौम सुखिना पर विश्वास रखती है, तो इस तरीके का वक्तव्य तो मैं दे ही नहीं सकता। दूसरा, जो आपने भी कहा कि इसका क्या हो सकता है, तो मैं मुस्लिम भाइयों से भी अनुरोध करूंगा कि ऐसे लोगों को खोल के उनका विरोध करें। क्या आप ऐसा करना चाहेंगे, क्या आप हमारे साथ आएंगे उनका विरोध करने के लिए? मैं मोमिन साहब से, अकील खान साहब से जानना चाहूंगा, क्या आप उसका विरोध करेंगे खुल के? अकील खान, आप जवाब दें। हेलो जी अकील खान, इन्होंने कहा कि जिन मुस्लिम समुदाय में जिन लोगों ने शोभा यात्रा पर पथराव किया, जिन लोगों ने इस तरह की हरकतों को अंजाम दिया, आप उनका खुलकर विरोध करेंगे या फिर मुस्लिम समुदाय ऐसे लोगों का खुलकर विरोध करता है? संगठन जो पत्थरबाजी की है उनका विरोध करता है और कड़े शब्दों में मजम्मत करते हैं, और मैं उनके जब तक उनकी गिरफ्तारी नहीं होती, जिन लोगों ने गलत पत्थर बरसाए हैं उनको चिन्हित करके उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। जी बिल्कुल, मयंक यादव जी एक फाइनल कमेंट में चाहूंगी, किसी राजनीति से जुड़ा हुआ नहीं, देश हित में मैं आपसे कमेंट चाहूंगी, आप एक युवा है, युवा चेहरे हैं, देश हित में आपसे एक कमेंट चाहूंगी मैं। मैम मैं बस सिर्फ मैं अपना सवाल विकास जी से दोबारा दोहराना चाहूंगा। सर मैं यही कह रहा हूं, अगर मैं आपके घर के बाहर खड़ा होकर लगातार आपकी जाति के बारे में अभद्र टिप्पणी करूंगा, सर आपका रिएक्शन तब क्या होगा? ये भी सोचना चाहिए, मस्जिद से पत्थर आए ये बात आपकी मान सकता हूं, लेकिन आपके भी घर से तभी पत्थर आएंगे जब मैं आपके जाति के बारे में या आपके परिवार के बारे में कोई अभद्र टिप्पणी करूंगा। सर और वो तो सवाल ही निकल रहा है, जो लोग शोभा यात्रा में थे उन लोगों ने कौन सा अभद्र टिप्पणी करी थी? जो लोग शोभा यात्रा में थे उन्होंने कौन सी अभद्र टिप्पणी करी थी? मयंक जी विकास जी जवाब दे आप इसका पहले। सबसे पहले तो मैं यही जानना चाहूंगा कि शोभा यात्रा में से किसने अभद्र टिप्पणी करी। दूसरी बात, अगर आप इस तरीके का कहते हैं कि किसी के घर के बाहर अगर कुछ ऐसा अपशब्द कहा जाएगा तो वो उसका रिएक्शन देगा, तो ये कहीं ना कहीं आप ये मानते हैं कि उसमें मुस्लिम समुदाय शामिल था। मैं तो एक बार भी नहीं कह रहा, मैं तो ये कह रहा हूँ कि दोनों पक्ष से कहीं पर भी किसी ने कुछ किया तो वो किसी धर्म जात का नहीं, लेकिन आप तो उसको सीधे सीधे मुस्लिम जात पर ले जा रहे हैं। मैंने सर किसी जाति धर्म का नाम नहीं लिया, मैंने तो सर एक उदाहरण दिया है। सर उदाहरण गलत है ना आपका, आप उदाहरण ऐसा दे सकते हैं कि कुछ व्यक्ति उसमें भी शामिल थे, वहां पे शामिल थे, उन्होंने आपस में पथराव करके लोगों को घायल किया, लेकिन ये कहना कि किसी के घर के बाहर अगर अपशब्द कहेंगे तो वो रिएक्शन करेगा, तो ये तो सीधा सीधा आरोप लगा रहे हैं आप।
ये गलत है आरोप सर। मैंने तो यही कहा ना कि अगर मैं आपके घर के बाहर आकर मैंने हमारी वो आपकी बात रखी यहाँ पर किसी धर्म किसी जाति हमने आप हमारी अपनी बात आपकी बात हमारी आपकी बात देखिए मयंक जी हमारी आपकी बात अलग होगी। ये इस समय जिस मुद्दे पे बात हो रही है उस मुद्दे की बात करिए, ये बात हो रही है एक शोभा यात्रा पे पथराव की जो एक मस्जिद से हुई। तो हम अगर ये बात कह रहे हैं कि जिन लोगों ने भी ये किया वो किसी समुदाय के नहीं है, वो किसी धर्म के नहीं हो सकते, उन्होंने गलत किया, तो आप उस पर अगर इस तरीके का उदाहरण देते तो सीधा सीधा आप आरोप लगाते हैं। देखिए मैं आपके एक बात का समर्थन करता हूँ कि आपने कहा कि ये दंगा जो हुआ ये प्रायोजित था, मैं आपकी इस बात का समर्थन करता हूँ। तो देखिए जो हुआ वो दोनों तरफ से हुआ, अब इसमें किस पार्टी को या किसको फायदा होगा कि ये दंगा दिल्ली में हुआ, यहाँ हमारी पार्टी का या कोई तो मतलब बनता नहीं है। फायदा नुकसान की बात ही नहीं है, यहाँ मानवता को नुकसान हुआ है। सर वो जो दंगा हुआ वो किसी को फायदा लेकर हुआ है, मानवता को आज के समय में ये लोग देखते थे, अगर मानवता का होता तो ये दंगे लगातार ना हो रहे होते, सरकार इन पर अंकुश लगा चुकी होती क्योंकि इससे पहले भी दो राज्यों में दंगे हो चुके हैं। सरकार हमको लग रहा है कि खुद सरकारी एजेंसियां खुद नहीं चाहती है कि ये दंगे रुके, अगर सरकारी एजेंसियां चाहती थी दंगे दोबारा ना होते क्योंकि इंसानियत का नुकसान हो रहा, मानवता का नुकसान हो रहा है। जी बिल्कुल, मैं इस बात का समर्थन करती हूँ, इंसानियत और मानवता का नुकसान हो रहा है। और एक बात और मैं कहना चाहूंगी, अभी इसी चर्चा से निकल करके सामने आई जो शोभा यात्रा में भक्त शामिल थे वो कोई भी ऐसा हरकत तो नहीं कर रहे थे, किसी जाति विशेष या फिर किसी चीज को खड़े होकर नारे नहीं लगा रहे थे, अपनी शोभा यात्रा निकाल रहे थे। मयंक जी ने एक बात अभी और बोली, दोनों पक्षों की तरफ से हुआ कि उसमें आरोप यही लगा रहे वहाँ के लोकल के लोग जो मस्जिद के अगल बगल रहते थे कि वो उनको उनके जांच का विषय है मयंक जी, और इसमें जांच चल रही है, जांच का विषय है मयंक जी, वो जांच के विषय फिलहाल। और आपको मैं एक चीज और बता दूं कि दिल्ली वाले दंगे में 14 गिरफ्तारी हो चुकी है मयंक, अभी तक जो दिल्ली में दंगा हुआ था उसमें 14 गिरफ्तारी हो चुकी है और जांच चल रहा है जी। ये वहाँ गिरफ्तारियां हुई हैं और गिरफ्तारियां जहाँ जहाँ भी दंगे हुए सभी जगह गिरफ्तारियां हुई हैं। तो लेकिन बस यही कहना चाहूंगा दंगों से नुकसान मानवता और इंसानियत का है और ये दंगा कहीं ना कहीं प्रायोजित था, बस निष्पक्ष जांच हो जाए। सबसे बड़ी बात है ये इंटेलिजेंस एजेंसियां जो भी हैं भारत सरकार की उनका फेल्योर है, और लगातार कई दंगे होने के बाद अगर फेल्योर है तो प्रायोजित दंगे को कहीं ना कहीं किस चीज से जोड़ा जाए भाई, फिर कौन ये दंगे प्रायोजित कर रहा है, सरकारी एजेंसियां क्या कर रही हैं? जी बिल्कुल मयंक, ये जांच का विषय है, बिल्कुल मयंक, मयंक मैं आपके इस बात से किसके अंदर में है। देखिए आप सरकारी एजेंसीज को किसी के अंडर में नहीं कह सकते, हमारी तमाम जो जांच एजेंसियां हैं आप उसको किसी के अंडर में नहीं कह सकते, और बिल्कुल मैं आपके इस बात से सहमत हूं कि ये जांच का विषय है, एक जांच होनी चाहिए और ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए जो किसी भी जाति विशेष के खिलाफ नफरत फैला रहे हैं। करते कुछ लोग हैं, बदनाम पूरी कम्युनिटी होती है, बदनाम हमारा हिंदुस्तान होता है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए, और मैं उम्मीद करती हूँ कि आगे निष्पक्ष जांच होगी, जो गिरफ्तारी है वो होगी, ताकि जिन लोगों ने भी इस तरह के दंगे को बढ़ावा दिया, इस तरह के दंगे को बढ़ावा देकर जाति विशेष को हानि पहुंचा रहे हैं, हमारे हिंदुस्तान को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, उन सबके खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो। आज की हमारी चर्चा में इतना ही, बने रहिए प्राइम टीवी के साथ। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।